Hello everyone, so welcome back to my YouTube channel. So in this video I will talk about the things that we should carry from India only. और ये 13 मैंने चीज़ें सेलेक्ट करी हैं जो आप अपनी लिस्ट में ज़रूर ऐड कर लीजिएगा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये चीज़ें वहाँ पे कॉस्टली भी हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू कैरी दोज थिंग्स फ्रॉम इंडिया इट्स सेल्फ. ओके, सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो. Okay, so number one thing that we all should carry from India itself, so it's a hanger. मैंने एक लोकल स्टोर से स्टोर 99 से परचेज करा था एंड इट्स अ पेयर ऑफ सिक्स. और वहाँ पे जो वार्डरोब्स होती हैं एक इंडिया की तरह आपको नहीं मिलती हैं, तो आपको अपने कपड़े हैंग करने के लिए यू नीड दीज हैंगर्स. सो ये बहुत छोटी चीज़ है पर ज़रूर अपने साथ कैरी कर लीजिए. ज़्यादा हैवी भी नहीं है, वेट भी नहीं है और सिक्स इज़ क्वाइट इनफ फॉर स्टूडेंट. और आप ये जरूर ऐड कर लीजिएगा अपनी लिस्ट में. ओके, सो सेकंड इज योर प्लेट्स एंड बोल्स और स्पून. ये मेरे माइक्रोवेव फ्रेंडली है एंड आई रिकमेंड आप जो भी अपना प्लेट्स एंड बोल्स और कोई भी आप अपना मग लेते हैं तो माइक्रोवेव फ्रेंडली ही हो. लाइक दीज आर माइक्रोवेव फ्रेंडली और इसमें आप बाद में आराम से अपना खाना भी गर्म कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है. सो आई रिकमेंड जो भी आप यूटेंसिल्स ले रहे हो माइक्रोवेव फ्रेंडली हो. और मैंने ये अपना लोकल स्टोर से खरीदा था, स्टोर 99. सो मैं इसका कोई लिंक आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ बिकॉज ये मैंने अपने लोकल स्टोर से परचेज करा था. ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज दिस अ रेनकोट. आई हैव नॉट ओपन इट टिल नाउ बिकॉज पैकिंग ख़राब हो जाएगी तो रखने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है. रेनकोट हमारे प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि रेनकोट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वहाँ पे वेदर का कोई भरोसा ही नहीं रहता है, कभी बारिश कभी ठंड एनीथिंग कुछ भी वहाँ पर मौसम कभी भी बदल जाता है. तो आप रेनकोट ज़रूर अपने साथ रख लीजिए और अम्ब्रेला भी रख लीजिएगा फॉर सेफर जोन. और नेक्स्ट जो चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एयर टाइट कंटेनर्स. सो आई ऑर्डर दीज कंटेनर्स फ्रॉम अमेजोन. इनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. ये सिक्स का पेयर है सो ये आपकी मर्जी है आप कितने कंटेनर्स अपने साथ लेके जाना चाहते हैं, थ्री और सिक्स जो भी आपको ठीक लगे. और ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो इसलिए क्योंकि कई बार हम अपना फूड फिनिश नहीं कर पाते हैं, वो वेस्ट ना हो तो हम एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं. और इन कंटेनर्स के जो प्लस पॉइंट है वो ये कि माइक्रोवेव फ्रेंडली है, आप इसमें अपना खाना रख के आराम से गर्म भी कर सकते हो. सो मुझे ये बहुत कन्वीनियंट लगा और मेरे को लगता है ये मेरे सबसे ज़्यादा काम आने वाले हैं. तो अगर आपको भी यूज़फुल लगे और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी तो अपने लिए भी आप ये ऑर्डर कर सकते हो. तो बात करते हैं अब नेक्स्ट कौन सी चीज़ है जो मैंने ऑर्डर करी है. ओके, सो इट्स अ लंच बॉक्स, इट्स अ सिंपल लंच बॉक्स, मिल्टन लंच बॉक्स. मेरी मम्मी ने रिकमेंड करा था कि लाइक इफ़ मैं अपने काम पे जाऊँगी कहीं बाहर हूँ तो घर से अगर मैं अपना खाना ले जाऊँ तो मेरे पास कोई ऑप्शन होगा. सो मैंने लंच बॉक्स यहीं से परचेज कर लिया. ये बहुत थिन है और कुछ जगह भी नहीं ले रहा है मेरे लगेज में. इट्स वेरी लाइट वेटेड एंड आई लाइक कि इसमें अच्छा खासा खाना भी आ जाना है. सो आई रियली लव्ड इट. सो ये मेरी मम्मा ने रिकमेंड करा था मुझे एंड बाद में रियलाइज हुआ हाँ ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है मेरे लिए वहाँ जाके. ओके, सो अगर आपको भी ये यूजफुल लगता है तो आप ज़रूर अपने लगेज में इसको ऐड कर लीजिएगा. एंड नेक्स्ट इज आई ऑर्डर दीज शीट्स. ये शीट्स क्या है, आपको डिफरेंट शीट्स मिलती हैं. इसमें आपका पैकिंग में बहुत हेल्पफुल होता है. जब मैं अपनी पैकिंग अभी मेरी हुई नहीं है पूरी तरीके से, जब मैं अपने पैकिंग करूँगी तो इसके साथ आपको एक ये वैक्यूम एयर सकर भी मिलता है. इससे आपकी पैकिंग लाइक बहुत कपड़े जैसे जीन्स हो गई हमारी जैकेट्स हो गई तो इसमें अगर हम रखते हैं तो हमारा सारा ये एयर सकर से पूरा थिन लेयर के फॉर्म में बन जाता है. जैसे हमारी जीन्स हो गई और हमारी जैकेट्स, हमारे वूलन कपड़े कुछ हो गए अगर हम ले जाना चाहते हैं तो. ये कुछ शीट्स हैं, ये काफ़ी सारे शीट्स आए हैं अमेजोन से, डिफरेंट डिफरेंट साइज हैं लाइक स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सेल. सो ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर करा था, इसका लिंक मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी तो अगर आप चाहें तो इसको ऑर्डर कर सकते हैं. और मुझे ये अभी मैं जब इसको यूज़ करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी ज़रूर कि कैसा रहा और कितना यूज़फुल रहा ये. बट मैंने जो रिव्यू देखा है उनके रिव्यू से तो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए पैकिंग करने में, सामान मैनेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है. सो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या चीज़ है. ओके,
So next is a fry pan. I ordered a fry pan from Amazon and it's an induction based fry pan. आप कोई भी utensils अपने लिए खरीद रहे हो तो वो induction based ही होना चाहिए. It's all because वहाँ पे majority में induction based ही होता है, तो ये दोनों आप उसमें use कर सकते हो, induction based भी और normal भी आप use कर सकते हो. And I ordered it from Amazon, so मैं इसका link description में डाल दूँगी आप सबके लिए. So if you find it useful, then please ज़रूर इसको add कर लीजिए, कोई बहुत काम आने वाला है. आप अपने normal कुछ भी खाना बनाएंगे, ऑमलेट, ब्रेड, सो आई थिंक इट्स गोना बी वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल थिंग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने एक फ्राई पैन भी ऑर्डर करा था अमेजोन से. ओके, मैंने अभी कुछ उसको सेटअप नहीं करा है. सो इट्स अ फ्राई पैन एंड मोस्ट इट्स अ फ्राई पैन. सो इसके बाद ये जो फ्राई पैन है उसमें मेरे को काफ़ी मुझे कन्वीनियंट लगा ये फ्राई पैन. इसमें मैं अपनी लाइक हम इंडियंस हैं, अपनी चाय भी बना सकते हैं और भी मैगी या कोई भी जैसे भी काम आपको लगता है अपने हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकते हो. सो मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. अब बात करते हैं कि अब नेक्स्ट कौन सी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा यूज. सो मैंने ये दो चीज़ें और ली थी, लाइक दीज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो छोटी चीज़ें हैं बट बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोगों को ले जानी ज़रूर चाहिए. ना वेट है इनमें, ना एज सच आई थिंक ज़्यादा स्पेस लेने वाले हैं, तो ये ज़रूर आप अपने में ऐड कर लीजिएगा. ज़्यादा क्वांटिटी में ले जाने की जरूरत नहीं है, एक एक भी ले जाएंगे, आई थिंक इट्स क्वाइट कन्वीनियंट. अपार्ट फ्रॉम दिस अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके सामने बताने वाली हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है. इसके बिना तो आई गेस किसी भी स्टूडेंट को यहाँ से ट्रैवल करना ही नहीं चाहिए. एंड इट्स अनदर देन प्रेशर कुकर. सो इट्स अ प्रेशर कुकर. सो आई ऑर्डर्ड इट फ्रॉम अ लोकल स्टोर, तो इसका कोई लिंक नहीं है, मैंने स्टोर से खरीदा था. तो आप भी अपने लिए छोटा सा प्रेशर कुकर ज़रूर खरीद के जाएँ. बहुत छोटा प्रेशर कुकर है, इट्स अ 3 लीटर प्रेशर कुकर. तो ये मेरे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, बिकॉज प्रेशर कुकर के बिना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कोई भी कुकिंग करना. और हाँ, ये भी इंडक्शन बेस्ड है, तो कीप इन माइंड कि जो भी यूटेंसिल्स आप ले रहे हैं वो इंडक्शन बेस्ड हो. और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इम्पॉर्टेंट भी है वैसे, ये जितनी भी 13 मैंने आपको चीज़ें रिकमेंड करी हैं वो सभी इम्पॉर्टेंट है अपनी अपनी जगहों पे. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वुड से इसको तो आप बिल्कुल भी ले जाना मत भूलना. इट्स एन अडॉप्टर, जिससे कैन यू सी ये बहुत आपको हेल्प करने वाला है वहाँ पे, बिकॉज वहाँ हमारा इंडियन अडॉप्टर वर्क नहीं करने वाला है. सो आई ऑर्डर इट फ्रॉम अमेजोन, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगी. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू बाय दिस अडॉप्टर और दिस आइटम्स दैट आई परचेज ऑनलाइन, दैन यू कैन बाय इट फ्रॉम अमेजोन एंड आई एम गोइंग टू पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. सो आई होप यू रियली फाइंड इट यूजफुल एंड टिल देन प्लीज टेक केयर एंड यस स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड. टिल देन बाय बाय, सी यू.